तो मैम बताइए मुद्दसर जी के साथ कुछ कुछ तो आने वाला है, लेकिन क्या आने वाला है? बहुत बड़ा धमाल आने वाला है और बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे भी मौका मिले कि मैं यू नो मुद्दसर जी के साथ काम करूं, और वो दिन आज आ गया और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द धमाल आने वाला है। कुछ तो हिंट दीजिए, क्या धमाल आने वाला है? एक एल्बम है, सॉन्ग है, आप ऑब्वियसली कोरियोग्राफर, इतने हिट कोरियोग्राफर के साथ खड़ी हो, दैट मींस कि कुछ यू नो बड़ा गाना आने वाला है और टी सीरीज के लिए है ये, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। ओके, सब म्यूजिक वीडियो, डांस वीडियो है, डांस का सॉन्ग है, मस्ती है, उसमें एक छोटी सी कहानी भी है और शी इज प्लेइंग वेरी यू नो लवली लाइवली गर्ल और बहुत एनर्जी है उसमें, एक छोटी सी कहानी भी जुड़ी हुई है और काफ़ी डांसर्स भी हैं एंड इट्स इन अ इंडोर लोकेशन, इट्स वेरी वेरी यू नो डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड समथिंग रियली मिक्स्ड विद इंडियन एंड हिप हॉप एंड डांसिंग एंड यू नो कल्चरल सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ओके, सो किस टाइप का डांस, मतलब काफी जनर्स होते हैं इस डांस में भी? सी बेसिकली आई कैन से बॉलीवुड बट विद द न्यू एज स्टाइल, इट्स दैट्स काइंड ऑफ स्टाइल। मैम कितना डिफिकल्ट रहा आपको ये सीखने में या फिर मतलब करने में? डिफिकल्ट तो है बट एट द सेम टाइम शी डिड इट, हां शी इज डूइंग ग्रेस, कर रही हूं और ग्रेस है ना, अभी आप जिस जहां से मैडम आ रही है वहां कल्चर और ग्रेस बहुत ज्यादा बचपन से सिखाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली डांसिंग के लिए इतना टाइम लगता नहीं और ऑलरेडी शी इज अ सिंगर, तो वो म्यूजिकली नॉलेज भी रहती है, बॉडी में रिदम रहती है, तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब कभी डांट फटकार पड़ गई? डांट अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ टेक्निक्स यू नो नए नए टेक्निक्स सीखने को मिल रहे हैं। बड़े आर्टिस्ट के लिए डांट ये होती है कि क्या कर रहे हो, बस वो ही डांट होती है। मतलब इन फ्यूचर डर तो है कि पड़ जाएगी, इट्स वेरी क्यूट, मेरे को सिखाना आता है इसलिए कभी पड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ बहुत प्यार से। ओके, सो एक ये एल्बम हमें कब देखने को मिलेगा, कुछ आइडिया? बहुत जल्द, आई थिंक एक दो महीने के अंदर, दो तीन दिन में हम लोग शूट अच्छी चीजों में टाइम तो लगता है, nothing much. I'm just enjoying my life, working hard for myself. You're working extra hard, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने इनको बोला कि थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए, अभी वहाँ से वहाँ शूटिंग, वहाँ से वहाँ, मैंने बोला अरे बाप रे बहुत रेस्ट भी लो, बॉम्बे वाले बॉम्बे इंडस्ट्री के थोड़ा रेस्ट भी लेती है। ओके मैम, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं बट यू नो लाइन बाय लाइन आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ज़्यादा रिवील करना क्या ही रिवील करूँ, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं। श्योर, डेफिनेटली मैम, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हाँ जी दिलोफर, आज भी कट जाएगा, हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है इसको बोला पूरा तरीका, आज हम लोग चलो सर।